नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के एम्बुलेंस में शराब पाई गई थी, जिसके बाद अब विपक्ष की तरफ से हमले शुरू हो गए। आपको बताएं कि अब विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए शराबबंदी है। यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर चुकी है और यही वजह है कि आए दिन अपराधी खुलेआम अपराध करते हैं। आपको बताएं कि लगातार सीएम नीतीश कुमार पर आवाज उठाने वाले, उन पर हमला बोलने वाले तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार में आपको दवा मिले या ना मिले, लेकिन समय पर आपको शराब जरूर मिल जाएगा। तो ये बातें तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। आपको बताएं कि लगातार सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाने वाले, उन पर आरोप लगाने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब ये कह रहे हैं कि जब आप बीमार होंगे, जब आपको जरूरत होगी, तो उस वक्त आपको बिहार में दवाई मिले ना मिले, आपको शराब पीने के लिए जरूर मिलेगा। क्या कुछ कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, किस तरह से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है, पहले देखिए। बिहार में समय पर दवा मिले ना मिले, लेकिन हर समय दारू जरूर मिल जाएगा। यह बिहार में डबल इंजन सरकार की अद्भुत व्यवस्था की अद्भुत डबल गारंटी है। बीजेपी एमपी एम्बुलेंस में शराब की सप्लाई कराते हैं। मुख्यमंत्री जी से सवाल नहीं करना, क्योंकि उनका तकिया कलाम और कानून अपना काम कर रहा है। तो ये आरोप इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया है। आपको बताएं कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के एम्बुलेंस में शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उस एम्बुलेंस को जब्त कर लिया है। करीब 280 लीटर के करीब शराब जो है उस एम्बुलेंस में बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने उस एम्बुलेंस को सीज कर लिया है। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के शराबबंदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार खुलकर अपने शराबबंदी को लेकर गर्व महसूस करते हैं, उनका कहना है कि उन्होंने बिहार में अपराधी पर लगाम लगाया है, वो जमीन से खोद कर अपराधी को बाहर निकालते हैं। ऐसे में जब खुद बीजेपी के सांसद इस तरह के कारनामे करेंगे तो आप क्या कहेंगे। और यही वजह है कि अब एक तरह से मजाकिया अंदाज में या फिर एक तंज की तरह आप इस ट्वीट को ले सकते हैं, तेजस्वी यादव के इस बयान को ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अलग ही अंदाज में ये बातें कही हैं कि जब आप बीमार होते हैं, जब आप अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि जिस तरह की बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर भी लगातार सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठते रहे हैं। और तेजस्वी यादव हमेशा से ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके बीच ये तंज जो है उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर किया है कि जब बिहार की जनता अस्पताल पहुंचती है तो उन्हें समय पर दवा तो नहीं मिलता, लेकिन दारू खुलेआम बिकता है। और ये बड़ा हमला जो है सीएम नीतीश कुमार पर किया गया। तो लगातार शराबबंदी को लेकर अब सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद खुद बीजेपी के मंत्री और सांसद इस तरह के कारनामे आखिर कैसे करते हैं, उनमें इतनी हिम्मत कहां से आती है कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद एम्बुलेंस में इस तरह की तस्करी करवाई जाती है, शराब की तस्करी की जाती है। और जब पकड़े जाते हैं तो सफाई में ये कह देते हैं कि एम्बुलेंस तो हमने मुखिया के हवाले कर दिया था। ऐसे में मुखिया अब क्या कर रहा है क्या नहीं, ये हमें कैसे पता होगा। यही वजह है कि अब विपक्ष की तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।